नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हैं गांव एलची में और मैं हूं श्री रुपेश जी माली के साथ। रुपेश भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। ये जो प्लॉट है, करीब 1 एकड़ का प्लॉट है और इस पे इन्होंने खरबूज और तरबूज, ये दोनों चीज़ें लगा रखी है। खरबूजे में दो वैरायटी है, एक है सिमोन्स की राजा और एक है सागर कंपनी की विजय। और तरबूज में करीब 5 वैरायटियाँ हैं। कौन कौन सी सर? सर एक सिमोन्स की बाहुबली है, एक मैक्स है और एक और अपने पास हीटन है, एक यूनिसेम की पृथ्वी है, एक अपने कावेरी 6 का 1902। ठीक है, तो ये अब जो कंपैरिजन है इन सभी वैरायटीज का, काफ़ी सुंदर तरीके से इस प्लॉट पे देखने को मिल रहा है। प्लॉट ओवरऑल बहुत हेल्दी है, आप देख सकते हैं पूरा हरा है, फंगस सही है, फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छी है और अलग अलग वैरायटी का कंपैरिजन जो देखने को मिल रहा है कि क्या नाम बताया था आपने इसका, सिमोन्स का राजा और सागर का विजय, इन दोनों में से कौन सी वैरायटी बेटर है, किसका फ्रूट बेटर है, किसकी सीड क्वालिटी बेटर है। वैसे ही कावेरी सीड्स का 1902, यूनिसेम का पृथ्वी, हिल्टन, मैक्स, इन सब को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। हम किसान की जुबानी ये बात समझते हैं कि उन्हें कैसा लगा और कौन सी वैरायटी बेटर लगी। पहले बात करते हैं खरबूजे की। रुपेश भाई, खरबूजे का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और कौन सा आपको वैरायटी बेटर लगी? खरबूजे में सर जो सागर का विजय है, जो फ्रूट भी ज़्यादा है, इनका शेप प्रॉपर एकदम एक जैसा है, इनमें थोड़ा मतलब अपने को सिमोन्स में वो नहीं दिखा जैसा अपने को चाहिए था, बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं है वो, बाकी साइज छोटे बड़े हैं। देखिए ये जो प्लॉट है ये है सिमोन्स का, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें फ्रूट सेटिंग भी हुई है, ये है फ्रूट का साइज जो भी हो गया है करीब करीब, और इसी के ठीक पीछे लगा हुआ है विजय। रुपेश भी आपको विजय का फ्रूट दिखाएंगे, इसमें सब प्रॉपर एक साइज के फल, प्रॉपर एक जैसे फ्रूट बने हैं, ये देखिए आप फ्रूट साइज, ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट। रुपेश भैया, तो रुपेश भैया का एक चीज और कहनी थी कि मिक्सिंग जो आती है सीड में, वेराइटियल मिक्सिंग, विजय में सब कुछ यूनिफॉर्म था, एक जैसा था, और सिमोन्स में मिक्सिंग है, अलग अलग टाइप के फ्रूट भी दिख रहे हैं, जैसे यही पैकेट लगा हुआ है यहीं पे सिमोन्स का, और इसमें ये वाला जो चितकबरा फ्रूट आता है मुस्कान टाइप का, वो भी है, और पास ही में ये और पास ही में ये भी है, तो ये एक ही पैकेट का सीड है पर वैरायटी अलग अलग निकल रही है। अब इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, टेक्निकलिटी की बात कुछ और है। तो ये बात तो हो गई खरबूजे की, अब आते हैं तरबूज पे। रुपेश भैया, तरबूज में आपको सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी लगी? एक तो है 1902 कावेरी सीड्स, कावेरी सीड्स की 1902, उसके बाद अपने बाहुबली क्या बोलते हैं, यूनिसेम पृथ्वी, उसके बाद हीटन और मैक्स, ठीक बात है। और अभी जो हम देख रहे हैं ये जो प्लॉट है, करीब करीब 2 महीने का हो चुका है आराम से, और फ्रूट सेटिंग पे है, फ्रूट बहुत अच्छा है, क्वालिटी है, प्रोडक्शन भी ठीक दिख रहा है, आशा करते हैं कि 10 से 15 दिन में ये माल तोड़ेंगे। तो आपका रिकमेंडेशन क्या रहेगा, आपने इतनी सारी वैरायटियां लगाई, अगले साल अपने को तरबूज में एक या दो वैरायटी लगानी, तो कौन सी लगाएं? मेरा विचार है तरबूज में एक तो अपने 1902 है जी, उसके बाद होगा तो अपन बाहुबली ये पृथ्वी लगाएंगे, उसके बाद एक हिल्टन की भी साइज है। हिल्टन कौन सी ब्रांड का है? हिल्टन शायद, ठीक है वो हम सर्च करके आपको डिटेल्स में दे देंगे। हिटन क्या है कि बिल्कुल कैप्सूल साइज में, ऑल राइट, उसका फ्रूट का जो शेप है, जो लंबापन है, वो बहुत अच्छा लगा इनको। बाकी 1902 कावेरी सीड्स नंबर 1 और पृथ्वी यूनिसेम नंबर 2, ये बढ़िया है, और खरबूजे में सागर का विजय बेस्ट। तो ये है, और आप जो अभी खेती कर रहे हैं, जो गाइडेंस है वो आपको कहाँ से मिल रही है? कावेरी कृषि बाजार मंदसौर से, और हम यही आशा करते हैं कि और भी किसान भाई, रुपेश भाई जैसे किसान को देख के प्रेरित हो और अच्छी खेती करें और डिफरेंट वैरायटीज को खुद से ट्रायल करें और खुद समझें कि क्या बेस्ट है अपने लिए और क्या नहीं है। कावेरी कृषि बाजार से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को और रुपेश जी मालिक को।